डिजिटल मार्केटिंग है क्या? व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? मार्केटिंग दो तरह की होती है, एक होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, दूसरी होती है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, क्या फर्क है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और क्या फर्क है डिजिटल मार्केटिंग में? ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आ जाता है आपका न्यूज़पेपर, टीवी पे कोई ऐड आता है, कोई न्यूज से अगर आप कोई ऐड देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर से देख रहे हैं, उसके अलावा कोई ये बड़े बड़े जैसे कि बिलबोर्ड लगे होते हैं बाहर, असाइन बोर्ड जो लगे होते हैं, वहां से अगर आप किसी चीज किसी कंपनी की अगर आप कोई ऐड देख रहे हैं, ठीक है, कोई बैनर देख रहे हैं, कोई आपके पास कोई पॉम्फलेट ब्रोशर कोई आता है उसके जरिए आप देख रहे हैं, या इससे भी थोड़ा पुराने जमानों में चले जाएं कि जब इन चीज़ों पे भी इतना ट्रेंड नहीं था, बल्कि अभी भी है उस चीज़ का, अक्सर हम देखते हैं कोई यहाँ पे कोई न्यू ऑटोमेटिकली हम देखने पे मजबूर हो जाते हैं, भाई ये रिक्शे पे जो ढोल बजते जा रहे हैं ये क्यों बज रहे हैं? जब हम उस साइड पर देखते हैं तो आगे क्या होता है, उनका कोई बैनर या बोर्ड रिक्शे पर लगा होता है कि जी फलां चीज़ की लॉन्चिंग होने जा रही है, फलां कोई स्वीट की दुकान खुलने जा रही है, फलां कोई अपना होटल खुलने जा रहा है, फलां कोई नाश्ता पॉइंट खुलने जा रहा है, ठीक है, वगैरह वगैरह। बल्कि ये थिएटर के अंदर जब कोई ड्रामा भी लगना होता है तो उसकी भी वो ढोल बजा के मार्केट में वो एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं। तो ये सारी आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आ जाती है। रेडियो, रेडियो आप सुनते थे, ये आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, ठीक है। अब आ जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग वो है कि जो आप सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है, किसी वेबसाइट के थ्रू, किसी सोशल चैनल के थ्रू जो आप देखते हैं वो कहलाती है आपकी डिजिटल मार्केटिंग। इम्पोर्टेंस और डिटेल ऑफ कंटेंट है, इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले है जी बेस, व्हाट इज मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहले इसमें है जी माइंडसेट डेवलपमेंट। देखिए, जब तक आप अपना माइंडसेट क्लियर नहीं करेंगे आप कभी भी डिजिटल मार्केटर नहीं बन सकते, ठीक है। एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनने के लिए आपको पहले अपनी थिंकिंग को डिवेलप करना पड़ेगा लाइक अ डिजिटल मार्केटर। उसके बाद मार्केटिंग लैंग्वेज होती है, और उसके अलावा आपने अपने जो भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं क्लाइंट्स के थ्रू उनको आपने मैनेज कैसे कर रहे हैं, ये सारी आपकी डिजिटल मार्केटिंग में आ जाती है। उसके बाद इसमें आपने देखना यह है कि हाउ टू एक्वायर, कोई भी आपके पास कोई प्रोजेक्ट आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया लोकल क्लाइंट का, तो उसमें देखना यह है कि हाउ टू एक्वायर, हमने उसे एक्वायर कैसे करना है, उसको विन कैसे करना है और उसको निगोशिएट कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाती है आपकी स्किल्स। अब स्किल्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं, फेसबुक है, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है, टिकटॉक है, वगैरह वगैरह, स्नैपचैट है, ये सारे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं बैठे चाहते हो गए, लैपटॉप से आ गया, थोड़ा और ईजी हो गया। अब मोबाइल के जरिए, मोबाइल एक ऐसी डिवाइस है जिसे डिजिटल डिवाइस बोलते हैं, जो हर वक्त हमारे हाथ में है, हम उठते बैठते सोते जाते हैं, इसमें हम वर्किंग करते रहते हैं, देखते रहते हैं। आखिरी टाइम सोने से पहले हमारी आखिरी एक्टिविटी क्या होती है, मोबाइल, और सुबह उठने के बाद सबसे पहली एक्टिविटी क्या होती है, मोबाइल। तो ये एक ऐसी डिवाइस है कि जिसके जरिए हम थ्रू डिजिटल मार्केटिंग अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, अपना जो मैसेजेस हैं, अपनी जो सर्विसेज हैं, उसे बड़ी आसानी के साथ पहुँचा सकते हैं क्लाइंट तक, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग के साथ। हमने जी फर्ज करें अपने दायरे का एक बोर्ड लगा दिया रोड बोर्ड में, ठीक है। अब एक हमने वहाँ पे साइन बोर्ड हायर किया, हमने उसकी पैराफ्लेक्स बनवाई, उसकी हमने टैक्स दिया, वो सारी कॉस्ट मिला के 20-25-30 हज़ार कॉस्ट आई, लेकिन उसने कवर किसको किया, सिर्फ लाहौर मोड़ को। अब एक बंदा जिसका काम भी लाहौर मोड़ पे, उस तक हमारी चीज़ कैसे जाएगी? तो हम बजाय इसके कि वो जो 25-30 या 50 हज़ार हमने एक साइड पे लगाने, अगर वही पैसा अगर हम लगाते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू और अपने उन तमाम लोगों तक अगर हम ऑडियंस को टारगेट करते हैं कि जिन तक हमारी ये सर्विसेज जानी चाहिए या जिन तक हमारे प्रोडक्ट जानी चाहिए, तो सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसके जरिए आप अपने क्लाइंट्स को टारगेट ऑडियंस जिसे बोलते हैं, आप टारगेट करके आप अपना मैसेज तक उसी बंदे तक पहुँचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कह लीजिए कि एक ब्राइडल सूट है फॉर एग्जाम्पल, या कोई ऐसी कोई ड्रॉप लेडीसी, ये हमारे ट्रेडिशनल में आते हैं। उसके बाद व्हाट इज ऑर्गेनिक मार्केटिंग एंड व्हाट इज पेड मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक मार्केटिंग वो होती है कि फॉर एग्जांपल अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पेज है, उसके ऊपर 18-19 हज़ार फॉलोअर्स हैं, ठीक है, ये कौन है हमारे ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं। अब अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन या इदारे के पेज पर पोस्ट लगाता हूँ और जो
जिन लोगों ने उस पेज को फॉलो किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है, जो फ्रेंड है उसके अंदर, जो हमारी जो इसकी लिस्ट के अंदर, तो अब वो जो लोग देख रहे हैं उस चीज़ को फ्री में देख रहे हैं वो, ठीक है, ये कहलाती है आपकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग, कि हमें उस पर कोई एक्सपेंस नहीं करना पड़ा, हमें उस पर कोई पैसा नहीं लगाना पड़ा, ये होती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। अच्छा, अब एक चीज़ ऐसी है कि हम चाहते हैं कि जी मेरी लिस्ट में तो बंदे सारे 100 हैं या 200 हैं, ठीक है, तो मुझे तो ज़्यादा लोगों को अपनी प्रोडक्ट या चीज़ दिखानी है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसकी करते हैं पेड मार्केटिंग। हम सोशल मीडिया चैनल्स को, जैसे फेसबुक है, ठीक है, यूट्यूब है, गूगल एड्स है, उनको हम पे करके एक बजट, और बजट पे करके एक क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं कि हमारी इस प्रोडक्ट को, हमारी इस चीज़ को, अपना गूगल साहब आपने दिखाना है खाले मार्केट एरिया में, दमोह के डिफेंस के एरिए में, कराची के पहले टाउन में, इस्लामाबाद में, किसी उसमें अच्छे से जहाँ पे इलेक्ट क्लास हो गया, और हमारी इस चीज़ को हम परचेज कर सकते हैं। अच्छा, नंबर दो, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान में जब भी आप मीडियम क्लास हो, ठीक है, तो कोई प्रोडक्ट इलेट क्लास को मतलब फोकस करके आप ऐसी ना लगाइएगा, ठीक है, कि आप कह जी मेरा तो उस पर खर्चा इतना हो गया, मेरे तो कॉस्ट इतने ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे तो आगे सेल नहीं हो रही, ठीक है, तो आप जायज करके 10,000 की एक प्रोडक्ट लगाने के बजाय आप 10,000 की आप 5 प्रोडक्ट ऐसे लगाएं, 2,000 की प्रोडक्ट लगाएं, कि जो आपकी जो मीडियम क्लास के लोग हैं उनको 2,000 की चीज़ परचेज करने में आसानी है, एज़ कम्पेयर टू 10,000 की एक चीज़ परचेज करने में, इस तरह आपकी सेल्स रिलेशन वो अच्छी होगी। उसके बाद मार्केटिंग की कुछ टेक्निक्स होती हैं, ATL है, BTL है, TTL है, ठीक है। ATL होता है अबव द लाइन, ठीक है, BTL होता है बिलो द लाइन, और TTL होता है थ्रो द लाइन, ठीक है। अब ATL क्या होते हैं, अबव द लाइन, इसका मतलब ये है कि वो ऑडियंस के जो हमारे पेज के अंदर या ग्रुप के अंदर जो मौजूद है, ठीक है, वो होती है अबव द लाइन, ठीक है। बिलो द लाइन वो होती है कि हम चाहते हैं जी कि हम अपने ऑडियंस से बाहर के जाके हम लोगों को टारगेट कर सकें, ये हमारी होती है BTL, बिलो द लाइन। और इन दोनों को जब मिला के हम करते हैं कि हमने अपनी जो पेज के अंदर मौजूद क्लाइंट्स हैं उनको भी, फॉलोअर्स को, और उसके अलावा बाहर वालों को भी, हमने दोनों को कवर करना है, तो इसको बोलते हैं TTL, थ्रो द लाइन, ठीक है। तो ये इसकी टेक्निक्स हैं। आप फोन अटेंड करते हैं तो ये आपके लाइफ प्लान है, ये आपके फैमिली के प्लान है, तो ये बड़े ज़बरदस्त हम उस पर रेट दे रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त हम उसके जो है आपको, जब आपकी पॉलिसी में चोर होगी उस पर हम बड़े ज़बरदस्त आपको पैकेज अनाउंस करेंगे या देंगे। अच्छा जी, एक चीज़ दूसरे नंबर पे, आप इधर जाते हैं, जुमा बाजार लगता है हमारे यहाँ पे। अब जुमा बाजार में लोगों ने वो नीचे कपड़े बिछाए होते हैं, वो आवाज़ें लगा रहे होते हैं, आज उनकी आज सेल लग गई, ये चीज़ हिलेगी, ये चीज़ हिलेगी, ठीक है। दूसरा बंदा ये काम कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे आप अपने घर या ऑफिस जहाँ भी बैठे हुए बैठ के आप फेसबुक पे ऐड देख रहे हैं किसी भी चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल आप देख लेते हैं जी इन्फ्लोरिसेंस का है, ठीक है, कि अच्छा जी इन्फ्लोरिसेंस ये कोर्सेज करा रही है, किस पे देख रहे हैं, फेसबुक पे। तो ये तीनों ही आपकी मार्केटिंग कंसिडर होंगे, चाहे कोई फोन पे बैठ के बंदी बात कर रही है, चाहे कोई रोड पे खड़े होकर सेल लगा रहे हैं, चाहे आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, ये तीनों एग्जाम्पल्स आपकी ये मार्केटिंग कहलाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है एवेल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के भी कुछ दौर ऐसे गुजरे हैं या ऐसे दौर आए हैं कि जिनमें मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी चेंज होती गई है। नंबर एक, ट्रेड इरा। अब ट्रेड इरा क्या होता था, कि ट्रेड इरा वो था कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुराने वक्तों में लोग क्या करते थे, उनके पास पैसे नहीं होते थे जिसको बाय करने के लिए, वो क्या करते थे, एक्सचेंज कर देते थे कि जी आपके पास कपास है, हमारे पास गंदम है, हमारे पास चावल है, वो कहते थे जी चावल दे दो गंदम दे दो, ऐसे ही है, ठीक है। ये हमारा टाइम था ट्रेड इरा का, एक्सचेंजिंग जिसे टाइम कहते हैं। दूसरा जो हमारा टाइम था प्रोडक्शन इरा, ये 1860 से लेके 1910 तक, 1860 में शुरू हुआ और 1910 तक जो चला वो चला प्रोडक्शन इरा, जिसमें मुख्तलिफ यानी कि ऐसे प्रोडक्शन के यूनिट्स लगे जहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल जैसे जी कपास की मैं कहता हूँ जी, एक प्रोडक्शन यूनिट लगा कपास का, वो क्या करते थे कि जो ज़राअत करने वाले लोग होते थे वो वहाँ पे आके उसी यूनिट के ऊपर वो अपनी कपास को सेल दे, वहाँ से हमारी प्रोडक्शन का टाइम शुरू हुआ। उसके बाद सेल ज़िरा, सेल ज़िरा शुरू हुआ हमारा 1920 से। अब सेल ज़िरा क्या था, इरा कहते हैं दौर को, यानी सेल्स का दौर शुरू हुआ। इसमें ये हुआ कि कुछ सेल्स मैन ऐसे बनाए गए या सेल्स मैन ऐसे बने कि जिन्होंने जाके लोगों को कहने के मोटिवेट करना शुरू किया, उनको बताना शुरू किया कि जी हमारी इंडस्ट्री है, हमारी फैक्ट्री है, हमारी फैक्ट्री में कपास की
प्रोडक्शन हो रही है या हमारी फैक्ट्री में हमने इतनी चीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम वो सेल करना चाहते हैं, तो उसमें आगे जाके जैसे कि मुख्तलिफ जैसे होलसेलर डीलर आगे फिर मर्चेंट पे आ जाते हैं, तो वो इस तरह करके जैसे कि सेल्स को जाके उन्होंने बताया, उन्होंने आगे लोगों को बताना शुरू किया अपनी सेल्स मार्केटिंग की, और उसके बाद ये हमारा सेल्स वाली साइड पे सेल के फिर आगे प्रोडक्शन और सेल्स मेन आगे जनरेट होना शुरू हुए। उसके बाद आया मार्केटिंग ईरा। मार्केटिंग ईरा हमारा शुरू हुआ जी 1940 से लेके 1950 तक, ये 10 साल का टाइम था जिसमें हमारी मार्केटिंग शुरू हुई, जिसमें हमारे कहने के ट्रेडिशनल मार्केटिंग जैसे कि बोर्ड लगा के बैनर लगा के ढोल बजा के ये हमारी इन चीज़ों की मार्केटिंग शुरू हुई। उसके बाद रिलेशनशिप ईरा 1920 से लेके 2000 तक ये चला जी रिलेशनशिप ईरा। क्या मतलब है इसका कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ के स्टूडेंट्स रह के गए हैं, ठीक है, अब आपको आपका इदारे के साथ या मतलब इदारे की टीम के साथ एक अच्छा आपका रिलेशनशिप डिवेलप हो जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ से जाके अपने कॉलेज में अपने यूनिवर्सिटी में अपने गांव में अपने इलाके में आप ये कहते हैं जी कि मैं इंफ्लुएंसर से मैं ये कोर्स ने हमें बड़ी मेहनत करवाई है, हमारे ऊपर बड़ी आफत की है और हम उसके बड़े करके हमें फ़ायदा हो रहा है, तो ये किस चीज़ किस बिहाफ पे आप मार्केटिंग कर रहे हैं हमारी रिलेशनशिप बिहाफ के ऊपर, यानी कि आपका हमारे साथ एक रिलेशनशिप ऐसा बन गया है कि हमें हमारे कहे बगैर आप उस रिलेशन के बिहाफ पे आप जाके हमारी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये शुरू हुआ। उसके बाद 2000 से लेके अब तक जो मतलब जो चल रहा है ये चल रहा है सोशल मीडिया ईरा, ठीक है, कि अब जो ज़्यादा चीज़ें जो सेल आउट हो रही हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू डिजिटल के थ्रू ये हमारी चीज़ें सेल आउट हो रही हैं, प्रोडक्ट को सेल करें। जैसे कि हम देखते हैं आजकल वो विंटर कलेक्शन और वो आजकल लगी हुई हैं या जो गर्मियों का वो माल ख़त्म हो रहा है उनकी सेल्स लगी हुई हैं जिन भी स्टोरों के ऊपर पड़ी हुई हैं, तो वो देख लेते हैं आजकल कि जी फ्ला सेल लगी हुई है, फ्ला सेल लगी हुई है, 50% डिस्काउंट अप टू 70% डिस्काउंट, तो वो अपनी उन चीज़ों को वहाँ पे बैठे बिठाए वो सेल कर रहे हैं थ्रू ऑनलाइन। किस चीज़ के जरिए? फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए। इसके जो यूज़र्स हैं 1.62 बिलियन हैं जो डेली एक्टिव यूज़र हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, और उसके बाद यूट्यूब आपका वीडियो कंटेंट का इंटरनेशनल का इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से लाखों करोड़ों लोगों की रोजी रोटी चल रही है। कैसे? अब इन्होंने देखे एक कैसे इन्होंने एक सिस्टम बनाया है कि जिसमें सबको फायदा है, ठीक है। अब YouTube के जरिए देखिए YouTube से हम कैसे अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। YouTube एक अपनी ऐसी एप्लीकेशन है कि जिसके जरिए अब आजकल देखिए ज़्यादातर सेल्स कैसे हो रही है, इवन कि मैं कपड़े की मिसाल देता हूँ, बुटीक की मिसाल देता हूँ। अब हो क्या रहा है जी कि YouTube के ऊपर चैनल बना के ख्वातीन ने ये जो बुटीक्स वाली हैं वो कपड़े को ऐसे सामने करके कैमरे के सामने या कुछ पहन के भी इवन के दिखाती है कि ये देखें जी इसका स्टाफ बहुत अच्छा है, ये देखने में बड़ा अच्छा है, इसकी प्राइस बड़ी नॉमिनल सी है, ये वो सारा। अब देखा किसने? क्लाइंट्स ने। कहाँ से? यूट्यूब से। अब यूट्यूब से देख के उसकी सेल चीज़ भी सेल हो गई और यूट्यूब पे उसको जो व्यूवर मिले उसके थ्रू यूट्यूब से भी उसकी इनकम बन गई, अगर इतनी यानी कि हज़ारों में या सैकड़ों में उसके बन जाते हैं। तो YouTube आपका एक वीडियो कंटेंट वाला ऐसा प्लेटफॉर्म है। अब इस पर YouTube भी आपसे चार्ज करता है और YouTube आपको प्रमोट भी करता है। कैसे? फर्स्ट कह लीजिए आपने 100 रुपया कमाया YouTube के थ्रू, अब 100 रुपये में से YouTube करेगा क्या कि 45% YouTube खुद रखेगा और 55% आपको देगा। क्यों? क्योंकि आप उसके प्लेटफॉर्म पे जाके उसको यूज़ करके आप उसको बिजनेस दे भी रहे हैं और उससे अपना बिजनेस कर भी रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये है कि YouTube को क्या फ़ायदा, वो हमें कैसे पैसे देता है या मतलब हमें वो कहाँ से पैसे देता है? फर्ज करें जी किसी पर्सन का YouTube के ऊपर फर्ज करें जी 1 मिलियन उसके सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। अब एक बंदा जो अपनी मार्केटिंग करना चाहता है, अपनी प्रोडक्ट्स को शेयर करना चाहता है, वो तो वो क्या करता है, वो YouTube को जाके ये कहता है कि जी मेरी ये प्रोडक्ट्स हैं इनको सेल करना है पाकिस्तान के अंदर, USA के अंदर, उन्होंने बनाए हुए हैं अकाउंट्स बनाए हुए हैं, तो इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं उनके एक मोनेटाइजेशन के तरीका मेथड उन्होंने बीच में बताया हुआ है कि इतने अगर आपके फॉलोअर हो जाते हैं, इतने आपके सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो आपको वो मोनेटाइजेशन ऑन कर देते हैं। उसके बाद होता क्या है, वो देते हैं आपको ऐड। अब हमें पता है जी कि जी यहाँ पे किसी के पेज के ऊपर मतलब 10 लाख लोग उसके सब्सक्राइबर हैं। अब YouTube ने क्या किया, YouTube को दिया कंपनी ने ऐड, YouTube ने दे दिया आपने उस यूज़र को ऐड कि भाई आपके पेज के थ्रू ये ऐड चलेगा और उस ऐड में से जो पैसे होंगे उसमें से कुछ YouTube रखेगा और कुछ आपको देगा। इस तरह करके ये सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद ऐसे लिंक्डइन, लिंक्डइन क्या चीज है, लिंक्डइन ये एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर 922.3 मिलियन मेंबर्स हैं जो आपके यूजर एक्टिव हैं लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन एक बड़ी जबरदस्त आपकी एक एप्लीकेशन है, इसके ऊपर टोटली जो लोग होते हैं वो सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, बिजनेस मैन होते हैं या जॉब देने वाले होते हैं या जॉब लेने वाले होते हैं, ठीक है। इसमें यानी कि वो गॉसिप या हालचाल या वो सेल्फी सिस्टम यहाँ पे वो, ठीक है, या वो लोग जिनकी एक्सपर्टीज होती है वो जाके अपनी एक्सपर्टीज को वहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे, हमारे पास ये एक्सपर्टीज है, तो इस तरह कंपनीज उनको हायर कर लेती है या एंगेज कर लेती है। तो उसके लिए हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। 353.90 मिलियन यूज़र है आपका ट्विटर के ऊपर। ट्विटर को ज़्यादातर जो यूज़ करने वाले जो यूज़र्स लोग होते हैं वो ज़्यादा पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट या आपके पहले बिजनेस टाइकून कह रहे, बिजनेस ग्रुप्स कह रहे, इस तरह के जो लोग जो आपको ऑडियंस मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी आपको ट्विटर के ऊपर। तो आप अगर कोई इनके साथ अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं या इनके साथ आप कोई कोई इस लेवल की अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा टाइकून मिले, तो आप ट्विटर पे जाके वहाँ से आप लोगों को ढूंढ भी सकते हैं और अपनी उन चीज़ों के लिए लोगों को कन्वेंस भी कर सकते हैं, ट्विटर मार्केटिंग भी हो सकती है। तो ये तमाम वो चैनल्स हैं कि अब इनकी कैटेगराइज है, ठीक है, इनकी डिफरेंट कैटेगराइज है कि किन किन चीज़ों को हम किस कैटेगरी के प्लेटफॉर्म पे जाके चलाएंगे तो हमारी वो चीज़ की प्रमोशन होगी, वो हमारी चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगी। तो डिजिटल मार्केटिंग के दौर के बाद अब वो सारे वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं कि जो लोग हमने चीज़ बना ली हमें यही पता सेल कम होगी, हमारे यहाँ पर खरीदने वाले नहीं है। और भाई नहीं खरीदने वाला तो ज़रूरी नहीं है कि आप अब उस चीज़ को सेल करने के लिए आप जाके लंदन में आप दुकान खोलें, नहीं, अब अपने घर पर बैठ कर लंदन की ऑडियंस को टारगेट करें, अब अपनी चीज़ को वहाँ पर सेल करें।